नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एसी न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने सेक्टर 2 बीएसएनएल चौक में आदर्श नवयुवक दुर्गोत्सव समिति द्वारा बनाए जा रहे पंडाल का किया निरीक्षण। शहरवासियों को दी नवरात्र पर्व की बधाइयां। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले की जांच कराई जाएगी, और कहा युवाओं के भविष्य से कांग्रेस सरकार ने किया है खिलवाड़। और कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक संपन्न। डिप्टी सीएम ने कहा कि बैठक में सभी 90 सीटों पर हुई है चर्चा, एक दो दिन में अंतिम स्थिति आएगी सामने। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद सभी राजनीति पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। इसी को लेकर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी शैलजा और दीपक बैज मौजूद रहे। सीईसी की बैठक में कांग्रेसी प्रत्याशियों के चयन को लेकर चले मंथन पर डिप्टी सीएम सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है, एक दो दिन में अंतिम स्थिति सामने आ जाएगी। 90 पे डिस्कशन रहा, कोई ऐसा सीट हो ही नहीं सकता जिसमें डिस्कशन ना हो। पूरी जानकारी रखी गई है और जैसा शैलजा मैम ने बताया, आपको एक दो दिन के अंदर फाइनल स्थिति सामने आ जाएगी। ये बात आज तो नहीं हुई, तो मेरे मन में अभी भी वो बात है कि शायद हो सकता है कि इसको देखेंगे। टाइम बहुत कम है, 7 तारीख को जो चुनाव है पहले फेज का, तो वो 20 सीट पे प्रेशर है जल्दी करने का। 90 में राय चल रही है, 90 में कॉमन राय। पैनल है तो भी, सिंगल है तो भी, दो नाम है तो भी, सर्वे करना है तो भी, सबकी सहमति से हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, भाजपा सरकार बनते ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोयला घोटाला, पीएसी घोटाले के बाद सरकार ने गोबर को भी नहीं छोड़ा। वही कैंडी क्रश गेम को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल, आपको गेमिंग ऐप से प्यार क्यों है, ये सवाल मैं जरूर उठाऊंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कहा कि महादेव ऐप से जुड़े भिलाई के एक जवान ने अपनी शादी में 200 करोड़ खर्च किया, दुबई में सिनेमा के स्टार सहित सबको पेमेंट किया है। एक भक्त सीएम के करीबी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बात समझ में आई है कि भूपेश बघेल को गेमिंग ऐप से बहुत प्यार है। साथ ही कहा कि युवाओं का आपने क्या भविष्य बनाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है। आई एम द मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे, जो प्रदेश है वो हमारे साथ है, सब कुछ मैं ही सही सोचता हूँ। और एक चीज अजीत जोगी से भूपेश जी ने अच्छी सीखी है, अजीत जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, हाँ, और यहाँ तो एटीएम ही खुला हुआ है, तो क्या कहने है? मैं जब दिल्ली से चला तो मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, तो यहाँ तो संख्या ही बढ़ती चली जा रही है। मेरा एक और परिचय है कि मैं वकील भी हूँ पेशे से, पहले पटना हाई कोर्ट में वकालत करता था, अब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ, लॉ मंत्री तो रहा ही हूँ। तो मुझे गोठान का जो मैंने घपला देखा, तो मुझे चारा घोटाले के घपले की याद आ गई, क्योंकि चारा घोटाले में जनहित याचिका करके सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील रविशंकर आपके सामने बैठा है, जिसमें लालू जी को 4 मामले में सजा हो चुकी है, आगे और हो सकती है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 31 ओबीसी को टिकट दिया है, 30 आदिवासी भाइयों बहनों को दिया है, 10 आपके अनुसूचित जाति भाइयों बहनों को दिया है, महिलाओं को 14, पहली बार 43, युवा 34, 85 में मैंने पूरा ब्रेकअप दे दिया। और देश में सबसे अधिक सांसद ओबीसी के भाजपा के हैं, एससी एसटी के भाजपा के हैं, सबसे अधिक विधायक भाजपा के हैं, 11 मंत्री हमारे केंद्र में ओबीसी समाज से आते, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये हम काम करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या यह कांग्रेस के अंदर लागू होगी या नहीं होगी, या वह वहां वही चलेगा,
इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे बिहार में लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी, उसके बाद तेजस्वी जी, बेटी मीसा भारती वो लोकसभा में हार गई तो राज्यसभा चली गई, दूसरे बड़े तेज प्रताप ने कहा मुझे क्यों नहीं बताया बनाया, तो उनको भी एक ट्रॉफी दी गई। मुलायम सिंह यादव तो अखिलेश यादव तो ताऊ नाराज, बंगाल में ममता जी के भतीजे चढ़े हुए हैं कि भाई आपका बहुत हो गया, अब जगह खाली करो कि मैं आऊंगा, तो यही चलेगा क्या? ये छलावा कब तक चलेगा? ये क्यों चलना चाहिए? हमें गर्व है इस बात का कि भाजपा ने ईमानदारी से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों सबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज मैं छत्तीसगढ़ में इस बात को रखना चाहता हूं कि देश की पहली आदिवासी नेत्री, गरिमामय नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है इतने बेशर्मी से? क्या सरकार का संरक्षण नहीं है? अब मैं अधिक विस्तार से नहीं बोलूंगा, बहुत संवेदनशील विषय है। कोई कार्रवाई नहीं होती यहां पर। कल भिलाई मंदिर पर हमला हुआ कि नहीं हुआ, शिव पार्वती के मंदिर पर? तो ये क्या ढोंग करते हैं आप कि मैं राम का भक्त हूं? आदर्श नवयुवक दुर्गोत्सव समिति द्वारा आगामी दिनों में नवरात्र पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। समिति द्वारा इस 24वें साल में साडा पंजाब की झांकी सेक्टर 2 बीएसएनएल चौक भिलाई में तैयार की गई है। माता दुर्गा की स्थापना विधि विधान से 15 अक्टूबर को की जाएगी। चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान आयोजन स्थल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे पहुंचे, साथ ही उनके समर्थक भी यहां पर बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए नवरात्र पर्व की बधाइयां शहर वासियों को दी। ये यहाँ कई दशकों से आदर्श नवयुवक दुर्गोत्सव समिति द्वारा दुर्गा पूजा मनाया जाता है। नवरात्रि का महापर्व आने वाला है, माँ दुर्गा की सब लोग आराधना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। शक्ति की आराधना करने के बाद शक्ति प्राप्त कर अत्याचारी और अनाचारी रावण का दहन होता है। ये दुर्गोत्सव समिति इस सेक्टर 2 में लगातार अपने नए नए नित तरीकों से लोगों को आकर्षक पंडाल बनाने की कोशिश करती है। अभी इन्होंने जैसे पूरे थोड़ा सा ग्रामीण अलग चित्रकारी, पैरा थोड़ा पंजाब, ये सब लुक दिया है और आप लोगों को पंजाब वाला खाना भी खिलाया है, हैं तो सब जो है बढ़िया। लोकतंत्र का पर्व तो हर व्यक्ति को उसमें भाग लेना चाहिए और लेते ही हैं, लेकिन जो लोग अगर नहीं लेते उनसे मेरा ये अपील है कि ये 5 साल में एक बार आपको अवसर आता है आपको अपने अनुसार जनप्रतिनिधि चुनने का, अपने अनुसार सरकार चुनने का और लोकतंत्र में समझदार लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो लोग अगर इस लोकतंत्र के महापर्व को नहीं समझते हैं वे दूसरों को समझाएं कि वे वोट ज़रूर देने जाएं। और लोकतंत्र में जो जन आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल हो उसके खिलाफ भी मतदान करें। इस सेशन के माध्यम से मैं सारे भिलाई शहरवासियों को दुर्गोत्सव की ढेर सारी बधाई देता हूं और इस पर्व को सब लोग खूब उल्लासपूर्वक मनाएं, यही शुभकामना है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग। तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। ग्रैनीसीन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778।
आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-11, 777-30-777-22। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आपका स्वागत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संयंत्र के कार्यपालक निदेशक पवन कुमार तथा विशेष अतिथि के रूप में विपिन कुमार गिरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने की। BSP ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि ऑफिसर्स एसोसिएशन सम्मान समारोह के साथ एक नई परंपरा आरंभ करने जा रहा है, जिसमें निस्वार्थ भाव से सेवा देने वाले सदस्यों तथा XOA के सक्रिय पदाधिकारियों के साथ पिछले कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट योगदान देने वाले OA के पदाधिकारी, ZR एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव कराने वाले चुनाव अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि पवन कुमार ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में OA BSP की प्रशंसा करते हुए कहा कि OA द्वारा निस्वार्थ सेवा देने वालों का सम्मान करने की एक नई परिपाटी आरंभ की गई है।
यह अत्यंत ही प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। सम्मान समारोह की जानकारी बीएसवी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने दी। जी सर, बताएंगे ओएर किस तरह का आयोजन किया गया? नमस्कार, ये अभी हमारा जो कल आयोजन किया गया, ये ऑफिसर्सन ब्लास्ट स्टील प्लांट के पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमारे जो भी लोग जिन्होंने स्वार्थ होकर हमारे ऑफिसर्सन के जितने भी कार्य उनको संचालित किया, सहयोग किया, उनको सम्मानित किया गया। और हम लोगों ने पहले से ये सोच कर रखा था इस साल ये नई परंपरा हम चालू करेंगे, तो ये हमारे लिए एक ओए के लिए नई परंपरा, क्योंकि हमारे 50 साल हो चुके हैं ओए बीएसपी बने हुए। उसके बाद हम लोग चाहते थे कुछ नए क्षेत्रों में काम करें, तो हम लोग पिछले कुछ वर्षों से अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए भिलाई में जितने भी हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी भी हों, कर्मचारी, उनके लिए नए नए तरीके से प्रयास कर रहे थे कि उनको कैसे हम उनकी सुख सुविधाएँ पहुँचा पाएँ जो उनको कहीं और से नहीं मिल पाती। तो हम लोग ने मेडिकल के क्षेत्र में काम करना चालू किया, जितने भी स्वास्थ्यगत शिविर होते हैं हम लोग ने यहाँ आयोजित करना चालू किया। हमने जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके साथ उनकी जो संस्था है हमसे जो जुड़ी है, हमसे संबंधित संस्था है एक सौ बीएसपी, उनके जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने कल सम्मानित किया। उसका उद्देश्य था कि उन लोगों ने निस्वार्थ होकर पिछले 10 सालों में सेवाएँ की हैं। 2013 में 101 फॉर्म किया गया, उससे लेकर 2023 तक का सफर ऐसे कई मुकाम आए कि वो बीएसपी को उनकी मदद की जरूरत पड़ी और उनके मुद्दे पे ही हम लोग ने मदद की। उन मुद्दों पर उनका सहयोग हमेशा सकारात्मक रहा। और आप जानते हैं कि सेल पेंशन स्कीम, जब वो बीएसपी ने उसके लिए संघर्ष किया, सेफी ने भी उसके लिए जब संघर्ष किया, तो हमेशा 101 बीएसपी हमारे साथ था और हमेशा उनसे सुझाव उनको मिलते रहे और सहयोग भी मिलता रहा। जितने भी कार्यक्रम उनके जनरल बॉडी यहाँ होती है हर 2 महीने में, उसमें हम लोग उनकी बातें सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। सेल पेंशन के अलावा हम लोग ने जो मेडिकल की सुविधा बीएसपी में बढ़ानी उसके लिए काम करना चालू किया। सेल मेडिकल पर जो काम किया वो भी 101 बीएसपी जो हमारा है उसके मंच पर हम लोग जितनी बार आए उनकी समस्याएं थी तो उन हम लोगों ने निदान चालू किया। तो ये एक प्रयास था कि जिन लोगों ने निस्वार्थ होकर पिछले 10 सालों में इस भवन में आकर अपने जितने भी हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको सहयोग किया, उनको हम लोग ने वहाँ सम्मानित किया। और उस प्रोग्राम में श्री असर दास साहब जो प्रेसिडेंट हुए आए थे और मिस्टर पाटिल आए थे, दिलीप वर्मा जी जो महासचिव हैं वो किसी कारण वो नहीं आ पाए, तो ये 3 लोगों ने निस्वार्थ होकर सेवाएं हमेशा दी हैं। तो गुप्ता जी हैं ट्रेजर, वो भी किसी कारण से नहीं आ पाए, तो इस पूरी टीम से हमको हमेशा सहयोग मिला। तो इस टीम को हमने सम्मानित किया इस मंच से। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यपालन निदेशक कार्मिक प्रशासन श्री पवन कुमार जी थे और विशेष अतिथि हमारे बी के गिरी साहब कार्यपालन निदेशक खदान थे। तो हम लोग ने प्रयास किया कि अपने जो हमारे ईडीज हैं उनके माध्यम से हमारे एक सीजीएम आईओसी राजरा भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, आरसीआरबी गौरवार साहब और हमारे पूरी पदाधिकारी इसमें उपस्थित थे। क्योंकि ये इस चुनाव के बाद जो हमारे 2 चरण में चुनाव हुआ, पहले चरण में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, सेकेंड चरण जो हमारा हुआ उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट 1, वाइस प्रेसिडेंट 2, वाइस प्रेसिडेंट माइंस, सेक्रेटरी 1, सेक्रेटरी 2, सेफिन हमने चुना। तो ये पूरे पदाधिकारी उस दिन उस मंच पर थे और उस मंच से उनका भी एक अभिवादन पूरी टीम द्वारा किया गया। तो हम लोग का एक उद्देश्य था कि नई कमेटी में नई ऊर्जा का संचार किया जाए और साथ साथ हम लोग ने जिस चुनाव को संचालित करने के लिए हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं, हमारे 3 चुनाव अधिकारी थे जिन्होंने दोनों चरणों में इस चुनाव को संपादित किया, बहुत अच्छे से चुनाव का संचालन किया। श्री अमूल्य प्रियदर्शी जी जो महाप्रबंधक हैं एचआरडी में, श्री संदीप झा जी जो जीएम हैं सीएनआईटी में, और श्री पटेल साहब, सुभाष पटेल साहब जो एजीएम हैं एचआरडी में, इन तीनों को भी हमने इस मंच से संभाल लिया कि इन्होंने अपना काफ़ी समय इस चुनाव संचालन में दिया और अच्छा कुशल संचालन किया। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे नियम भी बनाए जो इस बार हमने इम्प्लीमेंट भी किए, जिसमें हम लोगों ने बैनर पोस्टर ये सब हटा दिया चुनाव समय से। चुनाव के समय किसी भी बैनर पोस्टर को हटाया गया और एक पर्यावरण के लिए जो कार्य होना चाहिए वो हम लोग भी सोचते थे और ये चुनाव संचालन में इसका पालन भी किया गया। साथ ही साथ हमने अपने जो हमारे ओए में हमेशा जो कार्य होते हैं, जैसे मैंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी जो ईपीएस 95 में जिनको सहयोग की जरूरत पड़ती है, हम लोग ने पिछले 2 साल पहले उस समय के तत्कालीन ईडी पेंडे श्री के सिंह साहब से एक जनसेवा केंद्र का प्रारंभ किया। तो उसमें ईपीएस 95 के लिए हमारी हेल्प डेस्क है, तो उसमें हमारे श्री एन के साहू बैठते हैं, नरेंद्र कुमार साहू जी, और
पिछले दो वर्षों में उन्होंने काफ़ी लोगों को सहयोग किया, निस्वार्थ सहयोग किया, जिनको 2195 का पैसा नहीं मिलता। कई हमारे अधिकारी या कर्मचारी स्वर्गवास हो जाता किसी कारण से, तो उनके परिवारों को 2195 का सहयोग देना। और अभी एक नई स्कीम हम लोग ने प्रयास हमारे सबके प्रयास से चालू पाई, 2195 की हायर पेंशन स्कीम, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर हमेशा हेल्प डेस्क चालू करते हैं और हमेशा हम सबको सहयोग करते हैं। जो ट्रांसफर केसेस उनको हमेशा सहयोग करते हैं, तो एक हमारा हेल्प डेस्क में आयोजित हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारा लीज का जो काम चालू हुआ, उसमें हमारे श्री सत्यवान नायक जी ने और हमारे जितने भी हमारे दूसरे जो कार्य होते हैं, जो पत्राचार होता है, उसके लिए सत्यवान नायक जी हमेशा हाजिर रहते हैं। पिछले दो वर्षों से जब से वो सेवानिवृत्त हुए, हमेशा उनकी सेवाएँ हमको मिलती, तो उनको भी हमने सम्मान किया। और हमारे जितने यहाँ ऑफिस में हमारे स्टाफ हैं, उनको जिनका हमेशा सहयोग मिला, उनको उसमें हमने सम्मानित किया। तो मैं ये हम लोग ने प्रयास किया कि इस तरह से कार्य से हम अपने अधिकारियों का सम्मान करें जो सहयोग करते हैं, जो हमारे कर्मचारी उनका भी हमने सम्मान किया। साथ ही हमारे पिछली कार्यकाल में एक पूर्व पदाधिकारी और पूर्व जेडार का सम्मान किया गया, श्री वेणुगोपाल देवांगन, जो माइंस के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने हमेशा काफ़ी समय दिया तो अपने कार्य को संपादित करने के लिए हमेशा प्रयास किया, उनका भी सम्मान किया गया। साथ ही साथ ही आर के महाराणा जो जेडार है, उन्होंने कहा, पवन कुमार तथा विपिन कुमार गिरी एवं सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंचोर ने निस्वार्थ भाव से जन कल्याण में योगदान देने वाले सदस्यों को सम्मानित किया। समारोह के अंत में बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव परविंदर सिंह ने आभार प्रदर्शन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। बच्चों के स्वास्थ्य चेकअप तथा बच्चों को बाल्यकाल से अपनी संकोचता को दूर करने के उद्देश्य से भिलाई नगर सेक्टर 6 कालीबाड़ी समिति की ओर से वेल बेबी शो प्रतियोगिता 15 अक्टूबर रविवार को स्पर्श हॉस्पिटल के शिशु सर्जन डॉक्टरों की उपस्थिति में कालीबाड़ी सेक्टर 6 में संपन्न कराई जा रही है। प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन एवं बच्चों की जाँच स्पर्श हॉस्पिटल के शिशु डॉक्टर सर्जन करेंगे। प्रतियोगिता 4 वर्गों में होगी और इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रथम वर्ग में 8 माह से लेकर 1 वर्ष तक, द्वितीय वर्ग में 1 वर्ष से ऊपर से लेकर 2 वर्ष तक, तृतीय वर्ग में 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक तथा चतुर्थ वर्ग 3 वर्ष से लेकर 4 साल के बच्चों को शामिल किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में बच्चों के साथ उनके पालक भी उपस्थित रहेंगे। आयोजन की जानकारी समिति के संचालक सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने दी। प्रति साल की भांति इस साल भी भिलाई नगर कालीबाड़ी सेक्टर 6 में शारदीय दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वेल बेबी शो का प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। यह प्रतियोगिता 15 अक्टूबर को सुबह 8:30 से प्रारंभ होगा। यह प्रतियोगिता में 4 वर्गों में प्रतियोगिता को रखा गया है, जिसमें 8 माह से लेकर 1 साल तक के बच्चे और 1 साल से लेकर 2 साल और 2 साल से लेकर 3 साल और 3 साल से लेकर 4 साल, मतलब 4 ग्रुप में यहां प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। और यहां आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों का जांच हो सके और जांच के लिए स्पर्श हॉस्पिटल के जो सर्जन हैं इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और उनके द्वारा ही चयन कर प्रतियोगिता में जो विजेता रहेगा उन्हें पुरस्कार भी किया जाएगा। परंतु इस आयोजन के लिए भिलाई नगर कालीबाड़ी समिति के द्वारा इस साल श्रमिक बस्ती के रहने वाले बच्चों के लिए फ्री एंड कॉस्ट एंट्री दिया गया है। मैं चाहूँगा कि श्रमिक बस्ती के लोग इसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की समस्त जाँच करवाने के लिए पहुँचे। और इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए मैं पुनः चाहूँगा कि श्रमिक बस्ती के लोग इसका लाभ ले और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को। कालीबाड़ी मंदिर समिति सेक्टर 6 ने वेल बेबी शो प्रतियोगिता में बच्चों को लेकर आने की अपील पालकों से की है, जिससे बच्चों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा ले।
सारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य। तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग, रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यातायात पुलिस ने पावर हाउस से ACC चौक, केनाल रोड और नेशनल हाईवे में नो पार्किंग जोन में खड़े 32 भारी वाहनों पर कार्रवाई की। सभी नो पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान ऑनलाइन भेजा जा रहा है। जिले की यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े भारी वाहनों के खिलाफ कुछ माह पूर्व चालानी कार्रवाई शुरू की थी।
यातायात पुलिस द्वारा 3 माह में 350 से अधिक वाहन मालिकों को ई चालान भेजा जा चुका है। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर सदानंद विंदराज के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर चलाए जा रहे अभियान में नेशनल हाईवे केनाल रोड एवं पावर हाउस से ACC चौक तक नो पार्किंग में खड़ी 32 वाहनों पर यातायात आकाश गंगा जोन प्रभारी निरीक्षक PD चंद्रा एवं स्टाफ तथा हाईवे पेट्रोलिंग द्वारा कार्रवाई की गई। साथ ही ई चालान मशीन के द्वारा वाहन मालिकों को ऑनलाइन चालान भेजा गया, जिसका भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से न्यायालय में किया जाएगा। ऐसे वाहन चालक जो ऑनलाइन चालान का भुगतान नहीं करते हैं, उन वाहनों की परिवहन विभाग द्वारा सर्विस ब्लॉक कर दी जाएगी। 3 माह में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े 365 से अधिक वाहन मालिकों को ई चालान भेजा जा चुका है। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। हर साल की तरह इस साल भी आदर्श नवयुवक दुर्गोत्सव समिति द्वारा माता दुर्गा की स्थापना के साथ ही भव्य झांकी तैयार की जा रही है। यहां पंजाब की छटा बिखेरती हुई झांकी तैयार की जा रही है। पंजाब की रहन सहन के साथ ही कल्चर को यहां दर्शाया गया है, जो शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। इस थीम को लेकर आयोजनकर्ता से हमने खास चर्चा की, आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आपको बताना कि आप सभी जानते भी हैं कि भिलाई शहर के गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, ये मिनी इंडिया कहलाता है। भिलाई जो है, भिलाई टाउनशिप, मिनी इंडिया के तहत हर जाति वर्ग समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं और यहाँ के दुर्गा पंडाल का हो या गणेश पंडाल हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, बता दें BSNL चौक सेक्टर 2 के दुर्गा पंडाल में है आदर्श नवयुवक दुर्गोत्सव समिति, इस समिति का नाम है। इनके द्वारा जो दुर्गा पंडाल में जो थीम दिया गया है वो पंजाब का है। जी हाँ, ऐसा लगेगा हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मानो हम पंजाब आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं तो दर्शकों, हम इस वक्त मिनी पंजाब, मतलब पंजाब का जो थीम बनाया गया है आज़ाद नवयुवक दुर्गोत्सव समिति के द्वारा, वहां पर खड़े हैं और इसकी जो आयोजक हैं रश्मि मैडम और उनके हस्बैंड प्रवीण सिंह, प्रवीण भैया दोनों ही आयोजक हैं इसके। तो हम रश्मि मैडम से जानेंगे कि जो थीम है, इनको मन में कैसा आया कि पंजाब का स्वरूप यहाँ पर दें। जी मैडम, सबसे पहले आपका ग्रैंड एशियन में स्वागत। जी धन्यवाद, और मैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ के सभी भाई और बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ और इस पूजा के लिए मैं आमंत्रित भी करती हूँ आपके माध्यम से। तो ये जो ख्याल की बात आप बोल रही हैं, एक्चुअली क्या है, देखिए लोग छुट्टियों में सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, तो पंजाब एक भारत का भिन्न अंग है। जो वहाँ पे जाने से वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो मतलब जो देसी घी बोलते हैं, मतलब वो हर चीज़ वो अलग है। वो वहाँ पर एक गांव का जो वातावरण है, जो शांत है और सारे प्रदूषणों से दूर, तो लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और कई ऐसे परिवार हैं जो जा नहीं पाते हैं। तो हम लोग सोचे कि इस बार क्यों ना कुछ ऐसा थीम यहाँ भिलाई में लाया जाए जो जो दर्शक, मतलब जो लोग जा नहीं पाते हैं वो यहाँ उस चीज़ को देख सके। जैसे मैडम, देखा गया है कि पंजाबी कल्चर और छत्तीसगढ़ कल्चर भले अलग है, लेकिन दोनों का रहन सहन और रख रखाव काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे यहाँ हम देख रहे हैं गोबर के कोपले और जो बैलगाड़ी, सब कुछ है, सिमिलैरिटी काफ़ी कुछ है। कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं गई इसको बनाने में? नहीं, देखिए परेशानी कुछ भी नहीं गई है। और भिलाई एक ऐसा जगह है जहाँ पंजाबी और छत्तीसगढ़ी ही नहीं, यहाँ पर सर्व समाज के लोग रहते हैं और सारे समाज के लोग एक साथ है, मिल के चलते हैं, एक साथ हर त्यौहार मनाते हैं। तो आज तक ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा कल्चर अलग अलग है, हम सब मिल के एक साथ हर कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आपने बताया मिनी इंडिया है अपना भिलाई, जो पंजाब का स्वरूप देखने के लिए, इस झांकी को देखने के लिए क्या टिकट सिस्टम बनाए गए हैं? टिकट सिस्टम सिर्फ झांकियों का मेरे ख्याल से रहेगा, लेकिन भगवती का दर्शन तो वो उसके लिए टिकट नहीं है। माता की स्थापना कब की जाएगी?
माता के स्थापना सोमवार को अपना शाम का है, अभी माता जी को कल लेने के लिए जाएंगे और माता जी का भव्य स्वागत के साथ हम लोग यहाँ पर विराजमान करेंगे और उसमें 9 दिन का पूजा चलेगा, माता जी का आराधना चलेगा। और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पंजाबी भाई लोग हैं उन लोग भी इस थीम पे बहुत खुश हैं और उन लोग बोले हैं कि हम आके यहाँ पर खुद सेवा देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि ये हमारा भिलाई का कल्चर है कि हम सब एक साथ मिलके हम हर त्यौहार को मनाते हैं। ग्रैंड एशियन के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से मैं यही दर्शकों को कहना चाहूँगी कि ये आपका पूजा है, ये आपके लिए है, आप सब आइए और इस भव्य पूजा का देवी जी का दर्शन कर कीजिए और अपने पंजाब का भी अपना यहाँ पर जो पंजाब की को दिखाया गया है उसको भी आइए और आप लोग देखिए और सबको अपने दुर्गा अपना नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो देखा आपने कि पंजाबी कल्चर, पंजाब का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है पंडाल को, माता दुर्गा की स्थापना की जाएगी समिति के द्वारा और साथ ही साथ 10 दिनों तक के पूजा आरती जो जवारे के साथ में यहाँ पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। सभी ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों से अपील करना चाहूँगी कि आप ये मौका ना गंवाएं और इन 10 दिनों में माता के दर्शन के साथ इस झांकी को देखने भी अवश्य आएँ। नमस्कार। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।